मैं आसिया बावजीर, मैं मसूद की वाइफ बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई एक महीना पहले। मैंने यूनाइटेड में 14 दिन आईसीयू में एडमिट की थी। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज करके मैं हैदराबाद लेके आई। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे AIG के लिए रिकमेंडेड किए थे, मतलब आप लेकर जाइए, आपके हस्बैंड की जान बचेगी। इनको लीवर का बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है, इनको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, इनकी ब्रीथिंग कम हो गई है, इनका BP लो हो गया है, इनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है, मल्टीपल सर्जरी भी हुई है इनकी। अब इस वक्त इनको मैंने यहाँ पे हैदराबाद में लाई हूँ, मैं अजनबी हूँ, यहाँ पे अननोन हूँ, यहाँ मैं किसी को पहचानती नहीं, जानती नहीं हूँ। अचानक मैं यहाँ पे ले गई, मुझे पता चलता है कि पर डे का 1 लाख रुपये है, पर डे का 1 लाख, क्योंकि इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि इनका ट्रीटमेंट इतना महंगा है, इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी है, इनका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है, और इनके लैब टेस्ट भी बहुत महंगे हैं। इनके पेशेंट के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा भी होगा। बोले मैं आके यहाँ पे आके मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख के करीब, 1 लाख के ऊपर इनका खर्चा रहेगा। पता नहीं मैं कैसा मेरे शौहर का खर्चा उठाऊँगी, क्योंकि मैं भी नहीं कमाती हूँ, मेरे शौहर भी नहीं कमाते हैं, आप लोग ना ही मेरे बच्चे हैं कोई। आप लोग मेहरबानी करके मेरे शौहर की मदद कीजिए, क्योंकि मेरा कोई सोर्स नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। मैं बहुत मजबूरी में ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये ड्यूज बाकी है मेरी, मैं कब तक रहूँगी मुझे पता नहीं है। मैं मगर चाहूँगी कि ये जल्दी ठीक होते ही मैं इनको यहाँ से शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस है, इनका लीवर का इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है, इनके ब्लड में फैल गया है, बोले इनको थोड़ा ऐसा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगी जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, अपने गुलबर्गा में लेके जाओ। लेकिन जब तक इनका ट्रीटमेंट कम्प्लीट नहीं होता, मैं इनकी जान के साथ खेल नहीं सकती, इनकी जान की खतरा है, इसलिए जब तक ट्रीटमेंट नहीं होएगा मैं यहाँ से जा नहीं सकती। सब लोग बोले यहाँ पे ये AIG हॉस्टल में ही इनका ट्रीटमेंट होएगा। मैं चाहती हूँ आप लोग मेहरबानी करके मेरे शौहर की मेरी मदद कीजिए, जितना हो सके गूगल पे, फ़ोन पे और मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं नंबर मेरा डिस्प्ले होएगा। प्लीज़ मेहरबानी कीजिए मेरे शौहर के लिए, मेरे लिए दुआ भी कीजिए।